देखो इस वीडियो के अंदर ना बहुत सारे हंसने वाले फैक्टर्स हैं, तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना और तुमको मज़ा बहुत आने वाला है। और हाँ, सेथ रॉलिंस जब मतलब यूनिवर्सल चैम्पियन थे तब उनका स्टेज में एंट्रेंस हुआ था उनके थीम सॉन्ग के साथ, तो इतना ज़्यादा पब्लिक हंस रही थी। क्यों हंस रही थी? क्योंकि उनके थीम सॉन्ग पे ऐसे नाच रहे थे ना बिगी वाले, मतलब बिगी और उनके न्यू डे, आप वीडियो ही देख लो। तो सेथ रॉलिंस की बात तो हम कर चुके हैं, अब उनकी वाइफ की बात करेंगे जिनका नाम है बेकी लिंच। एक्चुअली गाइज वो काफ़ी टाइम से WWE के अंदर हैं, लेकिन ये साल ये जो मोमेंट है ना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, बिकॉज बेकी लिंच को फाइनली इंडस्ट्री के अंदर 20 साल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ भाई, उनके बहुत सारे रूप देखे हमने, फैशन वाले, एटीट्यूड वाले, क्यूट वाले, और फाइनली उनके 20 साल इंडस्ट्री के अंदर पूरे हो चुके हैं। उन्होंने ट्वीट भी करा कि जैसे ही 2022 ख़त्म हुआ मेरे लिए 20 साल कंप्लीट हो गया इंडस्ट्री के अंदर, और वेलकम 2023। लेकिन आपको मैं उससे भी ज़्यादा मज़ेदार कुछ बताने वाला हूँ, क्योंकि WWE इतना मस्त मैच मतलब प्लान कर रही है रेसलमेनिया के लिए, उसको देख के मतलब तबाही ही मचने वाली है समझ लो भाई। एक्चुअली बात ऐसी है कि मैं तुम्हें पहले वीडियो में बताया था कि रिया रिपली वर्सेस बेकी लिंच का मैच प्लान कर रही थी WWE, बट रिसेंटली रूमर ये आए हैं कि भाई अभी रोंडा राउजी से चैंपियनशिप ले ली गई है, और प्लान्स ये हैं कि अब शायद WWE रोंडा राउजी वर्सेस रिया रिपली का मैच रेसलमेनिया 39 में करने वाली है। बस वापस से कहीं रोंडा वर्सेस शार्लेट फेयर वापस से रेसलमेनिया में ना हो जाए, मैं पक चुका हूँ उस मैच से, लेकिन रिया रिपली वर्सेस रोंडा राउजी विल बी अ ग्रेट मैच। तो वापस से आ चुके हैं हम लोग हंसने वाली स्टोरी के ऊपर। देखो इसमें क्या हुआ था कि स्मैकडाउन के अंदर ना ब्लड लाइन और सेमी जेन मतलब एक दूसरे से बात कर रहे थे बैक स्टेज में इस प्रोमो में, और मेरे को बड़ी हंसी आई, तो मैं सोचा कि आपसे भी शेयर करूं कि मतलब क्या बात हुई थी। एक्चुअली सेमी जेन पूछते हैं रोमन रिंग्स से कि रोमन रिंग्स मतलब माई ट्राइबल चीफ, पिछले हफ्ते अगर मैं नहीं आया था तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि पब्लिक मुझे मिस कर रही थी और चिल्ला रही थी कि वेयर इज सेमी जेन, ऐसा कुछ तो नहीं था? तो रोमन रिंग्स कहते हैं बिल्कुल नहीं। फिर सेमी जेन बोलते हैं कि लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है ट्राइबल चीफ, आप ही बताइए, और ट्राइबल चीफ बोलते हैं कि चुप तेरी माँ की। नहीं भाई, माँ वाला नहीं बोले थे रोमन रिंग्स, बट केविन ओवेंस ने डायरेक्टली कुछ कह दिया रोनाल्डो को। हाँ भाई, वही अपने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फुटबॉल प्लेयर रोनाल्डो की मैं बात कर रहा हूँ। एक्चुअली हुआ ये कि आपने कुछ फोटोज देखे होंगे यार, जिसमें रोनाल्डो अपने टी शर्ट उतार देते हैं, सिक्स एप्स दिखता है, तो एज अ टफ गाय वो अपने आप को दिखा रहे थे मतलब। तो अब केविन ओवेंस ने उसी चीज़ पर कमेंट करते हुए बोल दिया कि भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को, तुम्हारे कितने भी ऐप्स हो, कितने भी सिक्स ऐप्स हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और केविन ओवेंस ये भी ऐड करते हुए बोलते हैं कि मतलब रेसलिंग के अंदर ऐसा सीन है ना बेटा कि जब भी रिंग के अंदर हम जाते हैं ना टी शर्ट उतार के, तो उस समय किसकी बॉडी है किसकी नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर तुम्हें कुछ दिखाना हो तो तुम मेरे साथ रिंग में आ सकते हो रोनाल्डो। भाई मत लड़ी हो, जानवर है मतलब केविन ओवेंस भाई। लेकिन अब केविन ओवेंस ने ऐसा क्यों कह दिया मेरे को नहीं पता, बट कह दिया तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन जॉन सिना की एक फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा कल इंटरनेट पे वायरल हुई, मतलब जो उनका रिटर्न हुआ जब रोमन रेंज के साथ उनका मैच हुआ, तो उनका एक फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ जिसको देख के मतलब काफ़ी हार्ट मेल्टिंग था यार, काफ़ी ज़्यादा दिल में दर्द हुआ, क्योंकि एक्चुअली में हमारे सुपरस्टार, हमारे सुपर हीरो बचपन के जॉन सिना काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं, ये चीज़ उसमें दिखी। वो फ़ोटो अभी आपको मैं दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर, कल इंस्टा पर वायरल कर रही थी ये वाली फ़ोटो, आप पीछे से देख सकते हो जॉन सिना का सर पूरा बाल्ड सा हो गया है पीछे से, तो इसको देख के लगता है कि यस यार, जॉन सिना भी अब धीरे धीरे बूढ़े होते जा रहे हैं अंडरटेकर लोग की तरह। और फिर से हम लोग आते हैं एक मज़ेदार हंसने वाली स्टोरी के ऊपर। मिस बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि मेरे मैसिव बॉल्स हैं, मेरे मैसिव बॉल्स हैं, मतलब मेरे छोटे मोटे बॉल्स नहीं है। तो इसी से रिलेटेड क्रिसमस वाला एक रील अपलोड करती है इनकी वाइफ मरीज, उसमें आप देखो वो आती हैं, मिस के बॉल्स इतने बड़े बड़े उठा के चली जाती हैं भाई, अलग ही लौड़ी।